गाइस आज है हमारे पास सेवलेट स्पार्क। आज हम इसका करेंगे वाइपर का काम जो कि चल नहीं रहा है। पहले इसके करते हैं फ्यूज बॉक्स चेक। ये देखें यहाँ पे इसका फ्यूज बॉक्स, और मैं आपको दिखाता हूँ ये वाइपर वन और ये टू, ये इधर वन इधर टू। ये निकालते हैं, पहले इसका निकालूंगा मैं, ये वन और ये टू, ये निकाल कर पहले चेक करेंगे। ये निकल गया हमारा दो नंबर का फ्यूज। अभी निकालते हैं ये एक नंबर वाला, ये निकल गया एक नंबर वाला। इसको पहले करते हैं चेक। ये देख सकते हैं आप, ये तो अच्छा है, ये ठीक है। और ये वाला, ये भी ठीक है, ये देख सकते हैं। अभी ये दोनों लगा देते हैं, ये लग गए। अभी चेक करेंगे आगे में सप्लाई आ रहा कि नहीं। पहले ये फ्यूज चेक कर लें आप, तो कवर लगा देंगे क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं। यहाँ से सब ओके है, अभी चेक करेंगे इधर से पहला सप्लाई। अभी आ गए हम आगे। पहले ये जो है इसमें आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। ये रहा इसका बार, हमने चेक किया लेकिन एक में भी सप्लाई नहीं आ रही। मतलब यहाँ से जो वायरिंग गई है, ये डब्बा खोलेंगे उसके बाद देखेंगे क्या है। ऊपर ऊपर चेक करेंगे। ये देखें, अब हमको ये इसका जो फॉल्ट है वो मिल चुका है। आप ये देख सकते हैं, ये रहा उसका फॉल्ट, यहाँ से वायर है कट। ये डब्बे को क्या बात है, ये देखिए यहाँ से वायरिंग कट। अभी ये वायर जोड़ेंगे इसमें और इसमें, उसके बाद आपको आगे का दिखाता हूँ। ये जैसा जैसा कोडिंग है, ये मतलब जो जैसा है, अभी देखिए ये वाला इसका है, तो ऐसे सब जोड़ दें उसके बाद देखेंगे। ये देखें, ये सब जोड़ दिया हमने, अभी करते हैं चालू वायर। अभी वो वायर हमने लगा दिया है, ये देखें अभी चालू करते हैं। ये रहा इसका वाइपर, ये हो गया, ये देख सकते हैं, ये हो गया वाइपर चालू। अब इसको जरा हाई पे करते हैं, देखते हैं सब पे चलता है, पानी भी आ रहा है। तो आप भी ऐसे चेक करें, वहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वहाँ पे, मतलब मैंने ये दो गाड़ियों को कर चुका है अभी तक, क्योंकि वो कोपरे में जगह है तो वहाँ पे चूहे लोग बैठ के वायर खा जाते हैं सब। फ्यूज चेक करें, फ्यूज नहीं गया तो मतलब वायरिंग में कुछ तो लपड़ा है। बस सिंपल सा प्रोसेस।